तो अभी तो लोग इन कह रहे हो क्या बोलिया, क्या बोलिया, सही बात है, ठीक है जी, क्योंकि अग्रणी किसान बहुत कम है, जैसे आपका चैनल देख रहे हैं तो ज्यादातर आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं अग्रणी किसान बोले जाते हैं, बिल्कुल भाई आपकी वीडियो देखते भी हैं और भाई के वीडियो देखते हैं, तो वे हो अग्रणी किसान, एक हो चौपाल वाले किसान, तो चौपाल वाले हर चीज में कमी कर देंगे, अग्रणी किसान हर चीज को कैच कर जाएगा, दो बीघा या आधा बीघा या दो बीघा लगा के देखा, हमने आपकी वीडियो देखी, हमने बोलिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विकास चौधरी में। और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे युवा किसान से जिसका नाम है सुनील राणा जी। सुनील राणा जी के पास 22 बीघे जमीन है, 16 बीघे में वो सुपर नेपियर जो है आप बुलेट 4G ग्रास देख रहे हैं इसकी खेती करते हैं। 10 सालों से ये खेती कर रहे हैं, ठीक है, आज तक इन्होंने गन्ना नहीं बोया क्योंकि इनका मानना है गन्ने से 10 गुनी पैदावार इसकी होती है और 10 गुनी ज़्यादा कमाई इसकी होती है। महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये चमासे में अगर मिल जाए किसान को तो क्या बुरा है, ठीक है जी। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ग्रास के बारे में, कैसे आप इससे अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अगर आप डेयरी फार्मर हैं तो इसका यूज करके कैसे आप अपने पशुओं को सेहतमंद बना सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आपको ये मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए आपकी बात करवा देते हैं राणा जी से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार जी। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में और अपने गांव के बारे में बताओ जी। भाई मेरा नाम सुनील राणा जी, गाँव मंडोरा, जिला मेरठ। हाँ जी, कब से कर रहे हैं सर आप ये? इसे भाई काफी टाइम से कर रहा हूँ। काफी टाइम से कर रहे हो। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन 22 बीघे आसपास। 22 बीघे अकेले हो? नहीं, दो भाई हैं। अच्छा, 22 बीघे में दो भाई हैं। अच्छा, इससे पहले क्या गन्ना करते थे? इससे पहले गन्ना करते थे। तो इसकी राय किसने दी आपको? इसकी राय एक भाई ने दी थी, उसने मेरे से उल्टी सलाह मांगी थी। अच्छा। तो मुझे ये बिजनेस अच्छा लगा। हाँ। वीडियो आपकी भी देखी थी मैंने इस पे एक बनी हुई। अच्छा, पंकज भाई की। हाँ, और कई वीडियो देखी थी। हाँ। तो मुझे लगा कि भाई वास्तव में ये तो हरा चारा तो किसान की समस्या है और मैं इसमें ट्राई करूँ। तो ये किसानों के लिए कैसे फायदेमंद है हमें बताओ आप। ये किसानों के लिए कई तरीके से फायदेमंद है भाई जी। एक तो हम पशु रखते हैं। अच्छा। तो पशु के लिए हम हरे चारे की बड़ी किल्लत है हर किसान के पास। हाँ, चाहे डेयरी फार्मर हो, चाहे डेयरी फार्मर हो, चाहे आम किसान हो, चार पशु भी है तो भी दिक्कत में ही हो। अच्छा अच्छा। तो इससे क्या है, अगर किसान इसे थोड़ा भी लगा लेता ना, एक दो बीघा भी, तो उसका पूरे साल भर का हरा चारा उसे आराम से मुहैया हो जाता है। अच्छा अच्छा। किसी के 50-50 बीघे खेती हो, 1 बीघे 2 बीघे वो, बाकी में वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। सुनील भाई, मैं आपको भाई, हम भी पैसे से किसान ही है, हमारे हमने 10 साल पहले लगाया था। अच्छा जी। तो ये जो हमारे सामने समस्या आई इसमें, इसके नीचे क्या है ना, कीड़ा सा होता है, उसको खा के क्या है ना पशुओं में अफारे की समस्या आती है। अच्छा। तो वो कौन सी वैरायटी थी, वो अलग वैरायटी थी क्या, आज से 10 साल पहले लगाई थी? वो 10 साल पहले भाई दोनों वैरायटी थी नहीं, ये थी नहीं। ये वैरायटी है, एक तो 4G बुलेट है। हाँ। जो पिछले साल आई है। हाँ। मार्केट में। हाँ। और एक है जायंट किंग ग्रास जो 3.5-3 साल पहले आई है, 3 साल के आसपास पहले वो आई है। अच्छा, अच्छा। तो जो 10 साल पहली वैरायटी थी वो गर्मी भी करे थी पशु के। हाँ। है ना, छेरा भी करे थे, इस वजह से हमारे किसानों ने लगाना छोड़ दिया, इस बार उठ गया इसके ऊपर से। इससे वो वही सोचते हैं, जैसे कि आप देखो, आप ये बाजरा बोल देते हैं किसान इसे। हाँ। लेकिन ये है नेपियर। हाँ। अब ये पहली बार की कटिंग है आपकी, और इसमें पहली बार की कटिंग में ही ये देख लो आप, अगर गिनती करेंगे, परसों एक भाई आए थे तो उनसे ही मैंने गिनती कराई थी इसकी जी, जी, जी। तो ये कम से कम 55 है पहली कटिंग में, 4G बुलेट में। ये मीठा भी है इसमें, हल्का मीठा भी है, और पशु इसे बहुत आराम से पचा भी लेता है। अच्छा। और आप इसकी ग्रोथ देख ही रहे हो, 2 महीने की इसकी ग्रोथ है फर्स्ट टाइम। अच्छा। सेकंड टाइम में वजन भी बहुत ज्यादा देगा और ये अपना पूरा ग्रोथ भी कर जाएगा। अच्छा, पूरा ग्रोथ करेगा। तो अब बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है जी, एक तो बात हुई अपने चारे के लिए पशुओं के लिए, दूसरी बात करते हैं बिजनेस से। गन्ने को फेल कर देगा? गन्ने को यो 10 गुना फेल कर देगा, 10 गुना कर मेरे से रिटर्न में ले ली, और जो अच्छा। भाई को ना करे ना यो। हाँ। मेरा कर रहा। हाँ। ज्यादा। अच्छा, लेकिन यो अगर हम चारा मशीन पे भी डाल देना इसे। हाँ। कुछ भी बिजनेस ना करें। हाँ। बोया और ज्वार मक्का की तरह टाल पे डालिया हमें। हाँ, चारा मशीन पे। हाँ। तो भाई साहब 10 गुना तो तब फेल कर रहा अच्छे गन्ने को। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, जा रहे मुझे बताइए, 1 बीघे में 15 बीघे की बचत है गन्ने में साल में। हाँ, 15,000 की। हाँ। अब इसमें आप देख लो कि पहली बार ये बोया मैंने आपको दिखाया, 5 किलो वजन होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल होगा। अगर 5 किलो वजन इसका है तो 10 रुपए का चला गया मेरा। हाँ। और मैंने कितने का बोया? 2 रुपए का। 2 रुपए तो 5 गुने पैसे हो गए मेरे 70 दिन में। बिल्कुल बिल्कुल, स्टार्टिंग के। अब दूसरी बार में 20 किलो वजन देगा। अच्छा। और 20 किलो वजन के पैसे हो गए भाई 40 रुपए। तो मेरे अब पैसे जो 2 रुपए लगाए थे इसी साल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे गन्ने के 1 साल की जी जी। तो अगले 2 महीने में 60 दिन में मेरे पैसे हो जा रहे हैं 20 गुने। अच्छा, अच्छा। फिर ये वजन देगा 30-35 किलो, तब मेरे 35 गुने पैसे हो जा रहे हैं, 70 रुपए का जाएगा एक ही महड़ा वजन से। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसे 5 बार कटेगा। अच्छा, अच्छा। तो अगर हम पहले साल की भी बात करें तो मतलब 1 साल में 5 बार कटता है? 5 बार कटेगा। अच्छा। हर 45-50 दिन में कटिंग आ जाएगी, सर्दियों की एक कटिंग नहीं आएगी। अच्छा, अच्छा। क्लियर सी बात है, 5 कटिंग आएंगे,
दो दो महीने के हिसाब से। अब उन कटिंग का ही पैसा 10 गुना है गन्ने से, क्लियर कट बात है, कोई इसमें वो नहीं। कितने रुपए कंटल के लगाए टाल पे? 200 से 350 रुपए तक के रेट है। 200 से 350 के रेट, 200 रुपए से लगा के 350 तक के रेट रहते। अच्छा राणा साहब बात करें, एक बीघे में कितने कुंटल निकल जाता होगा? एक बीघे में भाई हमारे यहाँ छोटा बीघा है 5 बिस्से का, 630 मीटर का बीघा है मेरे यहाँ। अच्छा अच्छा, अब जो किसान देख रहे होंगे वे अपने यहाँ के बीघा देख लें कितना। हमारे 800 गज का, 800 गज का, तो मेरे यहाँ वही 630 यानी के कुछ ऐसे ही लगभग है, लगभग आपका बड़ा। हाँ। तो इसमें 1500 कलम लगती है। 1500 अगर एक कलम दो कटिंग छोड़ दें हम शुरू की स्टार्टिंग की दो कटिंग का हम नहीं लगाते, चलो भाई बढ़ रहा है, तीसरी कटिंग से वो 30 किलो वजन से ऊपर वजन देगा। बिल्कुल, अगर ये 40 किलो वजन पे आ जाएगा धीरे धीरे चौथी कटिंग पे। अच्छा, अब 1500 मेहडे अगर हमारे एक बीघे में है और एक मेहडा 40 किलो वजन दे रहा है एक कलम, और वो 5 बार दे रहा, तो एक कलम ने हमें 2 कुंटल वजन दिया। अच्छा, अच्छा। तो 1500 कलम ने हमें 3000 कुंटल वजन दिया। 3000 कुंटल वजन, सीधी सी कैलकुलेशन एक बीघे में। हाँ, तो बहुत तकड़ा नंबर है। और सबसे बड़ी बात, खर्चा 1500 कलम लगाने का 3000-2000 और ऊपर लगा लो 5000 रुपए में, मतलब अब क्या है, किसान कहाँ मार खा रहा, ट्रैक्टर हर किसी के पास है नहीं, नहीं ट्रैक्टर है तो डीजल इतना महंगा है। सही है, अरे एक आदमी चाहिए भी इसमें, मैंने एक बार अब जुताई करा दी होगी। अब ये मैं 11 साल तक है इसकी उम्र जो है 4G बुलेट एक की, बार लगाओ 11 साल, 11 साल 4G बुलेट की 11 साल, 11 साल बहुत होता ठीक है। और वो लोग बता रहे हैं भाई जिन्होंने पैदा किया, बिल्कुल बिल्कुल, हम तो उनकी सुनी बता रहे, लेकिन 11 साल चलेगा तो 11 साल मेरा ट्रैक्टर का खर्च बचा, मेरा बंधाई का, निलाई गुड़ाई का, मेरा खाद पानी का, दवाइयों का सारा पैसा तो बच गया पूरे साल। गन्ने में गधे की तरह मंडा रहना पड़े, इसमें मेरा क्या है, मेरी कटिंग आएगी, अब ये कटिंग काट दूंगा, बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें खाद पानी लगाऊंगा, पानी दे के 2 महीने तक यूरिया लगता होगा, यूरिया हल्का सा यूरिया डाल दो बस, और 2 महीने की इंतजार करूंगा, फिर मेरी नगद फसल बिकेगी। एक और चीज है जो किसानों को समझ में नहीं आ रही जी, भाई हम मिल में गन्ना डाला, हमने गन्ना डाल दिया मिल में, हमारे पैसे कब आएंगे वो तो पता नहीं, हमें एक साल के एंड में कम से कम रोज धरने बैठे रहे। अब इसका क्या है, ये मेरा तैयार हो गया जी, मैंने लेबर से कटवा लिया मान के चलो, और ट्रैक्टर वाले से भाड़े पे मेरे पास कुछ नहीं है, ना ट्रैक्टर है ना मैं अकेला हूँ, ये उन व्यक्ति के लिए भी है कि मैंने कटवा लिया लेबर से और ट्रैक्टर वाले से भाई मैं लेके चला गया, तो मशीन वाला मुझे तुरंत पैसे देगा नहीं देगा, नगद की खेती है, उधर से आए लेबर को पैसे दे दो, ट्रैक्टर वाले को पैसे दे दो। अच्छा, तो ये नगद की खेती है किसान के लिए, जबकि किसान का पैसा बैन हो रहा गन्ने का, एक तो बचता कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऊपर से वो साल दो साल में पैसा आ गया। गन्ने की फसल में हर चीज चाहिए, इसीलिए मजदूर भी चाहिए, ट्रैक्टर भी, ट्रॉली भी, और खुद भी लोगों की डिस्क सरक गई, इसीलिए मैं दुखी था कि हम किराए पे तो काम करा रहे सबसे, हो नहीं पाता, बंधाई बंधाई निलाई गुड़ाई सब पैसा लगा रहे, पैसा हमारा हमें माल देने के बाद भी 1 साल बाद आ रहा, बिल्कुल, तो बताओ भाई हम कौन से होशियार हुए। अच्छा, अच्छा। तो भाई मैंने तो शुरू में किया था 4 बीघे में, फिलहाल 16 बीघे में है मेरे पास, और मैं इससे बिल्कुल तसल्ली पूर्वक खुश हूँ। कोई ये कहता हो कि भाई झूठ और तूफान, भाई सीधा सा गणित है, बिल्कुल सही। अगर रिंग पिट का गन्ना भी कोई किसान बो रहा होगा वो गणित के हिसाब से, गणित के हिसाब से, कोई ट्रेंच का बो रहा तो गणित के हिसाब से बो रहा, इसका गणित है 2 कुंटल साल भर में एक कलम वजन देगी। हाँ। दो कटिंग के बाद में, और भाई 1500 कलम है तो 3000 कुंटल आ रहा, अब 3 में कोई नू कहता हो झूठ है तो 2000 कुंटल ही आ जाइयो। सही बात, 2000 कुंटल के तुम 2 रुपए किलो से पैसे लगा लो। सही बात, इसमें खर्चा तो कुछ नहीं, एक बार लगाओ छुट्टी, फिर 100 रुपए में एक बार तैयार हो जाएगा एक बीघे में, 100 रुपए में। अब बात करते हैं ये टाल वाले, कोई दिक्कत तो नहीं करते इसको लेने में? कोई दिक्कत नहीं है, टाल वाले तब दिक्कत कर सकते हैं जिसके यहाँ यो कभी गया ही ना हो, कभी गया, जैसे इस एरिया में मैंने बोया तो अभी तो लोग ही नू कह रहे हो क्या बोल लिया, क्या बोल लिया। सही बात, ठीक है जी, क्योंकि अग्रणी किसान बहुत कम है, जैसे आपका चैनल देख रहे बहुत कम, तो ज्यादातर आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर हैं वे अग्रणी किसान बोल ले जाओ। हाँ, बिल्कुल भाई, वे आपकी वीडियो देखते भी हैं और भाई के वीडियो देखते हैं, तो वे हो अग्रणी किसान, एक हो चौपाल वाले किसान। सही बात, तो चौपाल वाले हर चीज में कमी काट देंगे, कमी काट देंगे, अग्रणी किसान हर चीज को कैच कर जाएगा, कैच करेगा, लगा के देखेगा इसको 2 बीघा या आधा बीघा या 2 बीस्से लगा के देखेगा, भाई हमने आपकी वीडियो देखी, हमने बोल लिया। सही बात, अब हमें नुकसान नहीं रहा, हमें तो गन्ने से, मैं तो भाई बीज में चला गया, भाई ऊपर वाले का ये था कि बोया था टाल के लिए, मशीन पे बेचने के लिए बीज में चला गया, तो मेरा तो मतलब मेरा तो ये मान लो 500 बीघे वाला फेल है, मेरे सामने आके बैठ जाओ, मतलब 19 बीघे वाले के सामने 500 बीघे वाला फेल है, नहीं 4 बीघे के सामने, 4 बीघे के सामने ये जब लगाया तो 4 बीघे लगाया ना, तो अभी अगर मेरी उपज आई है तो 4 बीघे से आई है, तो बाद में लगाया 16 बीघे, 4 बीघे के सामने 500 बीघे का किसान आके बैठ जाओ भाई, जिसको सको मेरे से बात कर लो, अपनी लागत बताओ, और
उपज बताओ सही बात और मेरी लागत देख लो और उपज देख लो। एक तो कमाई का जरिया हुआ यार टाल वाल में देख के, अब दूसरा जो मतलब बुलेट तरीका है पूरा। अच्छा बुलेट तरीका वो है बना वो इसका बीज बेचना। बीज बेचना भाई किसानों को इसकी जरूरत है, जरूरत है। एक गांव में 500 घर है, एक घर बोलो 500 घर का एक एक बीघा बोलेंगे तो आपको इनकम भी होगी, उनके पास हरा चारा उपलब्ध हो गया। ये एक ऐसा नहीं है कि बिजनेस ही है भाई, किसी की जरूरत की चीज नजदीक से मिल जाए ज्यादा अच्छा। अच्छा मुझे ये बताओ एक बीघे में अगर आप बीज ये बेचो ये कैसे मतलब सेल करते हो और इसको लगाने का तरीका बताएंगे बाद में बात करेंगे। हाँ इसको सेल हम करते हैं 2 रुपए पर बड़ के हिसाब से। बड़ के हिसाब से बड़ का थोड़ा बताएंगे कैसे कैसे कटिंग होती है, कैसे आप देते हो। अब जैसे किसान का है लाओ हाँ, आपको दिखा बता दो आप बता दो दिखा दो जी। ये है जिसकी बड़ देखो मोलनी भी चालू हो, मोलनी स्टार्ट हो गया ठीक है। ये एक आंख की होती हाँ, है एक आंख की। अच्छा अच्छा इसमें भी अगर मैं आपको निखोल के दिखाऊंगा ये भी चल रही होगी, ये भी चल रही है, ये आंख चल रही है चल गया। इसको हम यहाँ तक दबाएंगे और 45 डिग्री के एंगल पे जो खोड होता है ना गन्ने का या आलू की तरह, इसे ऊपर की मेड़ पे इतना तिरछा लगाएंगे इस तरीके से, ये होगा 45 डिग्री। अच्छा अच्छा ये खड़ा हो गया और ये अगर हम अच्छा, इसे खड़ी नहीं लगानी, ये 45 डिग्री बोएंगे ना अच्छा, तो भाई साहब इस तरीके की उपज आएगी, इस तरीके की आएगी। अच्छा, अच्छा पहली बार में 55-60 है, 55-60 कोई आओ तो देख लो कोई कटिंग नहीं हुई भाई बिल्कुल, और 55-60 गिन लो, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि पहली कटिंग में कैसे आ जाएंगे तो जो खेत में खड़ा हो उसको क्या। अच्छा तो लगा कर जाए खेत भर गया बताओ आ गया उसके बाद खेत जुताई कर दिया, जुताई करके गोल निकाल दी, गोल निकाल दिया ट्रैक्टर से और ऊपर की हाइट पे बोना है जिससे कि ज्यादा बरसात हो जाए मेड़ पे तो हाँ, ज्यादा बरसात हो जाए तो मरे ना। अच्छा अच्छा और पानी ड्रिप सिस्टम से ले, यानी कि पानी भर दिया और नीचे पानी चला गया और खेत आला है हाँ, और इसकी जो जड़ें हैं आराम से सोखती रहती हैं पानी। अच्छा मुझे आप ही बताओ सुनिए भाई ये जो इसकी सिंचाई है सिंचाई कितने दिन में करनी पड़ती है। सिंचाई गर्मियों में भाई 12-15 दिन पे नॉर्मल फसल की, मतलब ऐसे नहीं की मतलब पानी को पूरा रोज रोज कोई पानी नहीं, 12-15 दिन पे पानी दे दो गर्मियों में। अच्छा, अच्छा। और सर्दियों में 22-25 दिन पे पानी लगा दो, कोई टेंशन है नहीं, इसके आगे पीछे भी लगा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, खेती बड़ी मजबूत है। अच्छा अच्छा अब बात करें कोई किसान भाई ये वीडियो देख के इसको लगाता है और ये आपकी ये डंडी जी मतलब जी जी एक बीघे में कितनी निकल जाती है। एक बीघे में जैसे कि एक एकड़ का बता रहा हूँ मैं बीघा अपने हिसाब से, एक एकड़ में 9 से 11 हजार लगती है, जो मैं साइज बताता हूँ ना 2.5 x 2.5 तो 9 हजार लग जाती है। अच्छा एक एकड़ में, अब एकड़ के सबका बराबर है बीघे में अंतर। हाँ सही बात है, एक एकड़ में 9 हजार लगती है। हाँ तो 20-22 हजार का खर्चा मान लो, 20-22 हजार का एक एकड़ का खर्चा है, लेकिन अगर एक एकड़ का गणित लगाओगे भाई उपज का तो फिर फेल हो जाना क्योंकि इसकी दूरी कमाई है, ताल में भी उसका बीज भी, हर दूसरे महीने इसकी सरकारी नौकरी की तरह तनखा है, आपका तैयार हुआ आप बेच का हो हर 2 महीने में इसकी तनखा से आवे बिल्कुल, और तनखा इतनी मोटी आवे कि सरकारी नौकरी फेल है। मुझे तो लगता नहीं एक बीघे में, मुझे ऐसा लगा पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश को बेच दोगे आप एक बीघे में की पोत। नहीं ऐसा है नहीं, लेकिन ये है कि मेरे से 1000 से 1500 किसान के बीच में लेके गए और मैं उनको ये बोलता हूँ कि मेरे से लेके तो जा रहे हो, पहले तो मैं देता हूँ जो खेत पे आता है। सही बात है, बहुत कम मैंने भेजा है बाहर बीज ऐसे ही, भाई पहले आओ मेरी फसल देखो। सही बात, जब तुम्हारा मन संतुष्ट हो जावे जब मेरे से बीज लो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बिल्कुल, और मेरे से आके आदमी पूछ भी ले भाई किस तरीके से करना, किसान को थोड़ा सा भ्रमित करते हैं और लोग तो यहाँ आते हैं तसल्ली पूर्वक बीज लेके जा रहे। अभी क्या रिपोर्ट आ रही है कि भाई 90% तो तेरा बीज जमा हमारे खेत में, मैंने कहा था भाई 90% जमेगा। हाँ सही बात, 10% जमने का के 50% जम गया, मैं 2 रुपए ले रहा हूँ तो बीज दूंगा अव्वल क्वालिटी का, 90% तो बीज जमने की कॉल आती है। दूसरा है कि जिन्होंने बोलिया उन्होंने खिलाया है, जैसे मेरा हो गया खिला रहे, किसी की गाय तो 2.5 लीटर दूध दे रही थी, छोटे मोटे किसान भी ले गए तो 2.5 लीटर दे रही थी, तो उन्होंने कह रहे भाई 5 लीटर दूध पे आ गई। क्या कारण इसमें, क्या चीज है इसमें, इसमें मिनरल्स है, विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सारी चीज जैसे बच्चे को होना एक प्रोटीन खिलाया जाए वो सब कुछ ये है पशु के लिए। अच्छा, ये बोनवीटा मांगो पशु का बोनवीटा है। अच्छा अच्छा मैं आपसे पूछ रहा था मतलब आप मेरी इस सवाल को अच्छे समझे नहीं, ये अगर आप बेचते हैं तो एक बीघे में कितनी डंडी बेच दोगे आप, ये कितनी एक बीघे में अगर मैं बेचूं तो। आपने एक बीघे लगा ली हाँ। भाई मतलब पौध के हिसाब से लगा ली, लोगों को बेचना है एक बीघे में तो उसके लिए मैं बोल रहा था पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश कम पड़ जाएगा। अच्छा हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
क्योंकि एक मेढे में मुझे लग रहा है कम से कम 100-150 निकल जाती होगी। ये एक मेढे में जो खड़े होते हैं, हाँ। जो मेरे में चल रहे 60-70 चल रहे, हाँ। और एक में से 35 निकल रही, एक में से 35, हाँ, तो एक बिघे में 60-70 गन्ने हैं और एक में से 35 निकल रही, तो एक मेढा 2,500-3,000 रुपए तक का एक मेढा निकल रही, एक मेढा 2,500-3,000 रुपए का निकल आराम से निकल। अच्छा अभी बताओ, ये तो आपने ये तो कटिंग कर ली, ये रोक के रखा है क्या? हाँ ये बीज है जी तैयार किसानों के लिए, बीघा इसका ऑर्डर लगे हुए हैं, ये है 4 बीघे का बीज तैयार। देख लो जी भाई ने 4 बीघे का बीज तैयार कर रखा है, ठीक है जी, देख लो कितना शानदार बीज है ये, देख लो जी। अच्छा चलो ये तो बात हुई इसकी बेनिफिट की, हर चीज की भाई साहब कोई ना कोई कमी भी होती है जी जी, इसको लगाने में क्या सावधानियां रखें और क्या कमियां है ये और बता दो। इसको लगाने की सावधानी ये है बस, लगाते ही तो इसे पानी दे दो, लगाते ही पानी देना, लगा दिया शाम को, अच्छा, कल अच्छा। तक पानी दे दो या रात में दे दो, अच्छा, एक अच्छा। तो ये है कि पानी हाथ के हाथ लग जाना चाहिए, दूसरा ये है लगाते टाइम इसकी ये देखने है कि आंख ऊपर की तरफ चल रही हो, कुछ किसान भाई का ऐसा हो जा कि भाई सुनील हमारे तो 90% जमा, वो मैं ये कह दूं मगर तुमने ताऊ जी बहुत सारी तो उल्टी लगा रखी होंगी, तो कई बार उसे ये नहीं लगता हाथ मारने के बाद वो आंख नीचे को चल पड़े, वो खत्म हो जाएगी जमने के बाद, बिल्कुल ये ध्यान रखना। हाँ तो 90% बीज जम जाता है, तो लगाते टाइम आंख ऊपर की साइड हो, एक लगाने के बाद पानी दे दो। अच्छा अच्छा ठीक है, अरे आपका बीज है देख लो भाई कितना बढ़िया है, और इसकी हाइट अगर देखना चाहो, हाइट तो ये भाई 80 दिन का है अभी, और ये 80 दिन में इसकी हाइट है, बहुत बढ़िया, ये मेरी भी 6 फीट हाइट है, और मेरी हाइट में ये मेरे देख लो कम से कम 15 फीट के आसपास हाइट है, और ये तब है जब इसमें 100 रुपए बीघा की लागत है जी, 100 रुपए बीघा की लागत है, ये इसमें 100 रुपए बीघा की लागत है। चलो अंत में हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहोगे? भाई मैं ये कहूंगा कि डर को तो दो छोड़, बिल्कुल, बिल्कुल। और गन्ने से अगर दुखी होना और गन्ने के रोग से दुखी हो, गन्ने में कभी भी रोग आ जाए तो सही, जितना उसकी लागत लागत है ना उतने में तो बीज बीज जुताई उताई सब आ जाएगी, सब आ जाएगी जितने उसकी लागत है, ज्यादा नहीं थोड़ा सा करके देख लो, एक बीघा बोलो, एक बीघा अपने पशुओं के लिए बोलो, अगर आपको अच्छा लग जाए समझ में आ जाए तो आप इसे बढ़ा लेना अपने में, अच्छा अच्छा, तो लुटना भी नहीं है कि भाई हम 10 बीघे का बीज इकट्ठा ले लें, कोई किसान है भाई अब बजट नहीं है, एक बीघे का बीज ले जाओ और अपना वो कह देखो। अच्छा भाई साहब अब बात करते हैं, हमारे जो किसान है पूरे भारत में फैले हुए हैं, यहाँ तो जो लोकल के हैं वो आके ले जाएंगे जी जी, ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है अगर कोई मंगाना चाहे? अगर कोई ट्रांसपोर्ट से मंगाना चाहता है तो अभी मैंने जीएसटी नंबर भी ले लिया है, नहीं सही किया, तो ट्रांसपोर्ट में दिक्कत आ रही थी, अगर कोई भाई ये चाहता है सुनील भाई हमें तुम पे विश्वास है, हालांकि विश्वास में भाई धोखा होता है किसानों के साथ, सही बात है भाई, मेरे पे कर लोगे तो कहीं और कोई कैसे भी कर सके, मैं चाहता तो यही हूँ यही आ जाए एक दिन के लिए, 8 साल की खेती लेकर जा रहे हो तो एक दिन का समय निकाल लो, सही बात है, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट से मैं उनका सामान वहीं पहुंचा देते, ट्रांसपोर्ट उनका रहेगा, बाकी मेरी कलम का जो रेट रहेगा बस वो। चलो बहुत बढ़िया, आपने इतनी बढ़िया जानकारी दी किसान भाइयों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।